जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल। मैं आचार्य राजन त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़, झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय एवं नए पद की प्राप्ति हो सकती है। स्थानांतरण जैसी स्थितियाँ भी आपकी आज के दिन बन रही हैं। यदि आप भूमि से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। आप कभी कभी किसी कार्य में या समस्याओं में फेल हो जाते हैं। आपके लिए बजरंग बाण हनुमान अष्टक का पाठ करें अथवा मूंगा रत्न धारण करें, स्वर्ण की अंगूठी में अथवा तांबे की अंगूठी में। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों को आपको आज के दिन किसी व्यापार बिजनेस से संबंधित अथवा सरकारी नौकरी से संबंधित आप अपने देश प्रदेश को छोड़कर के अन्यत्र जा सकते हैं एवं आपका कोई वर्षों से पुराना अटका हुआ काम भी हो सकता है। आपका राशि स्वामी शुक्र है, इसलिए आप हीरा अथवा आप हीरा पहनने के सामर्थ्य नहीं हैं तो आप ओपल मोती या सफ़ेद पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और आपका राशि से स्वामी शुक्र है, आप कोई श्वेत वस्त्र सफेद वस्त्र यदि धारण करें तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन घर से परिवार से मित्रों से अच्छे संबंध रहेंगे और आप कोई नया काम व्यापार शुरू कर सकते हैं। आपका राशि से स्वामी बुध है, आपके लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए और जो कि स्वर्ण की अंगूठी में पहना जा सकता है। आपका राशि स्वामी के अनुसार जो रंग है वह हरा है तो आप नीला अथवा हरे वस्तु से संबंधित वस्त्र धारण कर सकते हैं जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन किसी पद पर आप पूर्ववत प्रतिष्ठित हैं, नए पद की प्राप्ति भी हो सकती है। आपका राशि से स्वामी चंद्र है, आप मोती रत्न धारण करें। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को आज माता पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, नए पद की प्राप्ति हो सकती है एवं कोई अटका हुआ व्यापार या कोई काम आप आज के दिन निपट सकता है। आपका राशि स्वामी सूर्य है, इसलिए आप माणिक रत्न धारण करें, भगवान सूर्य की आराधना करें और भगवान सूर्य को तांबे के पात्र में रोली और गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल डाल करके उन्हें अर्घ दें। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन सभी लोगों से अच्छे संबंध रहेंगे, अटका हुआ कोई काम हो सकता है एवं किसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो वह बीमारी आपको आज के दिन समाप्त हो सकती है। आपका राशि स्वामी भी बुध है। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आप मानसिक तनाव बेचैनी उतार चढ़ाव आपको चलता रहता है और आज के दिन आप किसी कोर्ट कचहरी जैसी मुकदमा से फ्री हो सकते हैं एवं अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और थोड़ी मानसिक तनाव बेचैनी आपके ऊपर रह सकती है। मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपका राशि स्वामी शुक्र है और आप हीरा ओपल सफ़ेद पुखराज या मोती रत्न धारण करें। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन थोड़े सचेत सावधान होने की आवश्यकता है, शत्रुओं से एवं रोग से पीड़ित हैं यदि तो आप मूंगा नामक रत्न धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन किसी व्यापार से संबंधित आप तीर्थ क्षेत्र में जा सकते हैं अथवा आपको अच्छे लोगों से सत्संग के माध्यम से आपको नए मार्ग प्रशस्त होंगे जो को आपको काफ़ी ऊंचाइयों की ओर ले जा सकते हैं। आपका राशि स्वामी बृहस्पति है, जिनका कलर पीला है। आप पुखराज रत्न धारण करें, पीले वस्त्र पहने, पीला दान दें और भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना या फोन इत्यादि के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। कृषि में यदि आप खेती करते हैं तो आपके लिए मध्यम और उत्तम रहेगा।
आपका राशि से स्वामी शनि है, आप नीलम रत्न धारण करें, चांदी की अंगूठी में भगवान ओम प्राम प्रेम प्रोम सम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का जप करें, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम रहेगा। और आप नीला वस्त्र धारण कर सकते हैं। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नए पद पर प्रतिष्ठित हैं, पद की प्राप्ति हो सकती है, भूमिगत द्रव्य लाभ प्राप्त हो सकता है और आप कोई जमीन जायदाद का कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और हृदय माने आपको कोई बीमारी से संबंधित समस्या भी हो सकती है, इसलिए आप भी नीलम रत्न धारण करें। आपका राशि स्वामी भी शनि है, भगवान शनि की आराधना करें एवं श्री हनुमान जी की। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन घर से अच्छे संबंध रहेंगे, मानसिक तनाव बेचैनी कम हो सकती है, परिवार वालों के साथ आपके सुंदर संबंध रहने के योग बन रहे हैं एवं मानसिक तनाव बेचैनी आपको आज के दिन कम हो सकती है। आपका राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति है, आप पुखराज नामक रत्न धारण करें, गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण कवच अथवा गजेंद्र मुक्त जैसे पाठों को आप कर सकते हैं। पुखराज रत्न धारण करें स्वर्ण की अंगूठी में अथवा पीतल में, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।